कुक विद मानसी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन दबा के, और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड आइसक्रीम। कस्टर्ड आइसक्रीम ज़्यादातर सभी को खाना अच्छा लगता है। आज हम इसको बिल्कुल ही अलग तरह से प्रेजेंट करेंगे और साथ ही इसको हम डेकोरेट करेंगे कुछ रेनबो बॉल्स के साथ। बिल्कुल ही नया तरीका है जो अभी तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा, और आप देख सकते हैं ये पॉप्सिकल देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं कस्टर्ड आइसक्रीम बनाना। यहाँ मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड लिया है। थोड़े से गर्म दूध में इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बाकी कस्टर्ड आप किस तरह से बना सकते हैं वो इंस्ट्रक्शंस पैकेट के ऊपर दिए हुए होते हैं। कस्टर्ड एक बार मिक्स करने के बाद आपको इसे लगातार चलाना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। फ्लेम को एकदम लो पे कर दें और इसे लगातार चलाएं जब तक इसमें 1 से 2 उबाल ना आ जाएं। ये देखिए कस्टर्ड अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून चीनी। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस, और अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स करना है। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। फ्लेम को आप मीडियम पर रहने दें और इसे बीच बीच में चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लें। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, आप ये बबल्स देख सकते हैं। तो थोड़ी देर इसे हम और पका लेते हैं। आप देख सकते हैं दूध एकदम आधा रह गया है। इसे मैंने 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाया है और ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे। तो फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। जब आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें उसके बाद ही आप इसमें क्रीम ऐड करें। कई बार ऐसा होता है कि क्रीम फट जाती है, और इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्रीमी हो गया है और मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। ये देखिए जैसे ही मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मैंने यहाँ पे ये पॉप्सिकल मोल्ड्स लिए हैं, इसमें हम इसको सेट करेंगे। अगर आप इस तरह से इसको सर्व नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में भी इस आइसक्रीम को सेट कर सकते हैं, और कम से कम इसे 10 से 12 घंटे के लिए हमें फ्रीज़र में रखना है। तो मैं इसे 12 घंटे के लिए कम से कम फ्रीज़र में रख देती हूँ, जिससे आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। ये देखिए 12 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, इसमें हम इसको डिप करेंगे। ये काम आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, नहीं तो गर्मियाँ बहुत हैं तो आइसक्रीम एकदम ही मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरह से आइसक्रीम हमारी सेट हुई है। इसी तरह से हम सभी आइसक्रीम्स को पहले बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने ये रेनबो बॉल्स लिए हैं। आइसक्रीम को आज हम बिल्कुल ही अलग तरह से और एकदम नए तरह से सर्व करेंगे। इस तरह से अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो ये रेनबो बॉल्स हम इसके ऊपर लगाएंगे, इससे आइसक्रीम देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। एकदम नया तरीका है और देखने में भी आइसक्रीम बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। ये देखिए सभी आइसक्रीम्स बनके तैयार हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं। तो हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम बनके तैयार है बिल्कुल ही नए तरीके से, अलग तरीके से आज हमने इसको सर्व किया है। बहुत ही यम्मी रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।